आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष में अभी से दरार पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की करीबी रास नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है, लिहाजा समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। वहीं उपचुनाव में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में बीएसपी का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव तो यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि वो बसपा के साथ गठबंधन के लिए जूनियर पार्टनर बनने और कुछ सीटें छोड़ने तक को तैयार हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बंगला विवाद में अखिलेश यादव की साफ सुथरी इमेज को धक्का लगा है, तो दूसरी ओर मायावती और कांग्रेस की नजदीकियां भी अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है। यही वजह है कि अपने तमाम पत्ते पहले खोलने के बाद भी अखिलेश यादव पर राजनीतिक दबाव साफ दिखाई दे रहा है।